अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा बनाएंगे जो ब्रेकफास्ट में लोग अक्सर पोहा बनाते खाते हैं, गुजरात में भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो पोहा गुजरात में जब बनाते हैं तो बड़ा का पोहा बनाते हैं, वो लोग आलू डाल के बनाते हैं। बाकी आप मुंबई चले जाओ, साउथ में चले जाओ तो वो लोग आलू नहीं डालते हैं, अनारदाना डालते हैं। ठीक है, तो हम बना के दिखाते हैं आपको कि पोहा बनाएंगे कैसे। और ब्रेकफास्ट में आप बनाइए, और बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, दही के साथ और केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई जरूर करना और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो पोहा बनाने से पहले क्या करेंगे, पोहा को हम धो लेंगे। तो धोने के लिए ज्यादा अगर आप भिगा देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पोहा कहते हैं वो चिक्कट हो गया है। तो हम पोहा एकदम पानी में टोटली भिगा देंगे और धो डालेंगे। उसके बाद में दिखाएंगे आपको, जरा भी पोहा खराब नहीं होगा, एकदम अलग अलग रहेगा। इस तरह क्या है, धो के साफ भी हो जाता है। तक जब रखा रहता है तो एक फायदा ये रहता है कि पूरी तरह से पानी अब्सॉर्ब कर लेगा और पोहा आपके सब एकदम खिले खिले से रहेंगे। इसलिए फुहारा मारने से बेहतर है पोहा को पानी में डाल दो, लेकिन फटाक से उसको निकाल दो। तो पहले डाल देंगे हम तेल। तेल पोहा में थोड़ा कभी भी आप ज्यादा डालें, क्योंकि पोहा बाद में एकदम ड्राई हो जाता है, लेकिन अगर तेल आपका अच्छा रहेगा तो खिले से रहेंगे। थोड़ा ही पोहा हम बनाएंगे, वो हिसाब से एक टीस्पून हम डाल देंगे राई, यहीं पे डाल देंगे कड़ी पत्ता। और अगर आपका सिंग दाना कच्चा है तो पहले आपको सिंग दाना डालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास सिंग दाना रोस्टेड वाला है इसलिए हम बाद में डालेंगे। अब डाल देंगे हम ऑनियन आप कभी भी लंबे साइज के काटे, लंबे वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं और वैसे पोहा के अंदर वो गायब हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे, पर लाल इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका पानी मर जाए बस। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिर्ची और डाल देंगे थोड़ा सा हम हल्दी और अब डाल देंगे पोहा। अब डाल देंगे इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, बस इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। शुगर इसके अंदर पड़ने के बाद टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है। अब थोड़ा सा डाल देंगे हम लेमन, और अब लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा सिंग दाना हम डाल देंगे। सिंगदाना हमारा रोस्टेड वाला है, इस वजह से हम बाद में डालते हैं। तो अब हम सर्व कर देते हैं। तो पोहा हमारा रेडी। बर्फ डाल देंगे थोड़ा ऊपर से हम गार्निश में, पोमोग्रेनेट अनार। पोहा बनके रेडी हो गया है। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है पोहा का, इंशाल्लाह बताना जरूर।